आज हम कटहल की सब्जी बनाएंगे। हेलो नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा केजी कटहल, दो प्याज और 3 मीडियम साइज का टमाटर लिए हैं। यदि बड़े ले रहे हैं तो 2 ही ले, और 2 चम्मच बेसन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 कलियां लहसुन की। तो चलिए सबसे पहले कटहल को छील लेते हैं। कटहल को मैंने पहले से ही छिलवा कर लिए थे तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इस तरह से इसे ऊपर का छिलका हल्के हाथों से छील लेंगे। यदि आप तुरंत छिलवा कर ले रहे हैं तो छीलने की भी इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक रोज़ पहले ही लिए थे इसलिए ऊपर से थोड़ा छिलका काला पड़ गया था तो छील दिए हैं। और देखिए इस तरह से काट लेंगे। पहले इस पीस को 4 भाग में कर लेंगे इस तरह से, और फिर से इस तरह से बीच से भी काट सकते हैं, अथवा बड़े बड़े पीस चाहिए तो आप ऐसे ही रख कर बीच से इस तरह से काट लेंगे। देखिए इस तरह से, और बड़े पीस चाहिए तो ऐसे ही रख सकते हैं अथवा इसके एक और भाग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसका थिकनेस थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, करीब 1/2 इंच में रखेंगे। तो सारे इसी तरह से काट लेते हैं, और चाहे तो इस तरह से इसका जो निकला हुआ हो इसे इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन ऐसे भी रख सकते हैं। तो लीजिए मैंने सारे कटहल को काट लिए हैं और 2 बड़े पीस भी रखे हैं, और प्याज टमाटर को भी काट लिए हैं, अदरक लहसुन को। तो अब चलिए सब्जी बनाते हैं। तो सबसे पहले कुकर में 1/2 कप पानी डाल लेते हैं और ये पीसे सारे कटहल के रख लेते हैं। अब इनमें जो टमाटर प्याज अदरक लहसुन जो रखे हैं एक बर्तन में डालकर और इसी में डाल देंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम पीसेंगे इसे। और कुकर में 2 सीटी लगने देते हैं। देखिए 1 सीटी लग चुका है, अब 2रा सीटी भी आने देते हैं। अब ये 2रा सीटी भी लग चुका, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और कुकर ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तो कुकर ठंडा हो चुका है, इसे खोल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं, और इसे थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम पीस लें मिक्सी में, और ये पीस निकाल लेते हैं कटहल की। देखिए ये गला नहीं है, बस सॉफ्ट हुआ है, बहुत पतला करेंगे तो गल जाएगा 2 सीटी में। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे एक साइड में रख लेते हैं, इसी प्लेट में हम मसाला डालकर और इसे मिलाएंगे हम। तो बेसन रख लेते हैं और नमक 1/2 छोटी चम्मच और हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच और धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच और गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट लिए हैं। इन सारे चीज़ों को मिला लेते हैं इस तरह चम्मच से अथवा हाथों से, इस तरह मिलाने से अच्छी तरह से सारे मसाले एक आपस में मिल जाएंगे तो हमें कटहल में मिलाने में आसानी होगी। कटहल में ये सारे मसाले से कोटिंग कर लेते हैं इस तरह से, देखिए, और साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह से सारे मसाले कोटिंग कर लेंगे सारे कटहल में। तो देखिए मैंने सारे कटहल को मसाले से कोटिंग कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें शैलो फ्राई करते हैं। तो ये पैन में 3-4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, आप किसी भी तेल में बना सकते हैं, और तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इनमें डालते हैं ये पीसे, जितने एक बार में आ जाए इस तरह से बैठा लेंगे। अब इन्हें एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो देखिए मैंने एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका था तो पलट लिए हैं सारे को, अब दूसरी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो अब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं।
देखिए कितना अच्छा सिका है। इसी तरह से बाकी का भी रख लेते हैं। अब इन्हें भी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये भी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो सारे कटहल तलकर निकाल लिए हैं, अब इन्हें रखते हैं साइड में और सेम पैन में ग्रेवी बना लेते हैं। तो ये तेल गरम है ही, इसमें डाल देते हैं 2 तेज पत्ते और 1 लाल मिर्च, इसे तोड़कर इस तरह से डाल देंगे, और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। और पैन को इस तरह से एक बार चला लेते हैं। तो जीरा करेक्ल हो चुका है, गैस को लो कर लेते हैं। इसमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, और इसे तुरंत इस तरह से चलाकर तुरंत इसमें मसाले डालेंगे। जो प्याज टमाटर अदरक लहसुन रखे थे मैंने पीस लिए हैं, और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है। तो ये जार में भी थोड़ा सा पानी डालकर रख लेते हैं, मसाले लगा हुआ था। अब इन मसाले को जब तक भुनेंगे तब तक इनमें से तेल अलग ना होने लगे, इस तरह चलाते हुए भुनेंगे। तो देखिए मसाले से तेल अलग होने लगे हैं। अब इनमें डालेंगे पानी, तो पानी मैं 3 कप डालूंगी इनमें। तो 1 कप पहले डालकर और इस तरह से मिला लेते हैं, फिर दूसरा डालेंगे। तो अब इनमें 2 कप पानी डाल लिए हैं, इस तरह से मिला लेते हैं। अब इनमें डालते हैं तले हुए कटहल की पीसे और 1 कप पानी ये मिलाकर डालेंगे। अब इनमें डाल देते हैं गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच। अब इनमें डालते हैं 1 कप पानी और सब्जी हम अभी पैन में बना रहे हैं। आप चाहे तो जिस कुकर में उबाले हैं हम कटहल को, उसी कुकर में वापस डालकर 1 सीटी लगा लेंगे, तो बहुत ही जल्दी सब्जी बन जाएगी और 2 कप पानी में ही बन जाएगी, और समय भी बहुत कम लगेगा। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो आप सब्जी को ढककर 2 मिनट हाई फ्लेम पर ही पका लेते हैं। सब्जी को 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लिए हैं, सब्जी को खोलकर इस तरह से एक बार चला लेते हैं। अब सब्जी को 5 मिनट हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो सब्जी को 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लिए हैं, अब सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से भी चेक करेंगे सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, और इस तरह से चम्मच से भी। तो सब्जी सॉफ्ट हो चुकी है, 1 मिनट और ढककर पका लेते हैं। तो सब्जी को 1 मिनट फिर से ढककर पका लिए हैं, सब्जी पक चुकी है। तो गैस ऑफ कर देते हैं और सब्जी के ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर सब्जी को ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देते हैं, सब्जी को सर्व करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब सब्जी को सर्व करते हैं, और सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और इस तरह से कटहल पकाने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, और ये सब्जी को सर्व करते हैं इस तरह से, ये बड़े पीस है इसमें नहीं जाएगा। और मैं आपको सब्जी का टेक्सचर दिखाती हूँ, देखिए इस तरह का है। यदि आपको इससे पतला ग्रेवी चाहिए तो पकाते समय थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा। एक कटहल का पीस भी देखिए, ये टूटा फूटा नहीं है, सॉफ्ट हुआ है लेकिन टूटा फूटा नहीं है, इसी तरह का होनी चाहिए। इस सब्जी को आप किसी भी अपने मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे चावल, रोटी, नान, पूरी, पराठे, किसी भी डिश के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप ये सब्जी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।